तो जैसा कि पार्ट वन में आपने देखा कि चुहार सिंह ढेला के भतीजा को किडनैप करवा लेता है, उसके बाद ढेला भी चुहार सिंह के बेटे को किडनैप कर लेता है। चुहार सिंह, तुम्हार बेटा हमारा कब्जा में है। अगर अपना बेटा के जिंदा देखे के चोइस मारे तो 2,00,000 रुपया और हमारे भतीजा के लेके खंडर बना दीजिए। पर इसी बीच चुहार सिंह का बेटा हाथ खोलकर वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कोई और किडनैप कर लेता है और ढेला चुहार सिंह के हाथों पकड़ा जाता है। अब 6 महीने बाद सरदार, इस साले को मारते मारते मैं हाफ गया, लेकिन अभी तक इस साला मुंह नहीं खुला। मार थाते थाते इस दाल तला मोर छोड़ दिया है, बता हमारे बेटा कहाँ है। नहीं तो भोथली दे ऐसा डोली मालें दे ना ती मुंह से गाल तक ले एक्सप्लेट वे बना देंगे, बताओ। ए सुहार सिंह, हमको तू नहीं मार सकता है रे। हमको मारने के लिए मारने का जिगरा होना चाहिए जो तेरे पास नहीं है। सरदार, इतना का लार पूछ रहे हैं, मार के कहानी खत्म कीजिए। अबे मच्छर की झाट, तेरा सरदार हमको हाथ भी नहीं लगा सकता है। उसका है काहे कि इसका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर हमको मार देगा तो अपने बेटा के गोर बूढ़ा का मुंह का चेहरा कैसे देखेगा। देख ढेला, सरदार के छाटो फर्क नहीं पड़े वाला अगर उसका लड़का मर गई। क्या फर्दा? अरे कलिया, उनको पता नहीं सरकार के टावरे नहीं खड़ा होते तो निकलने में से होगा। तुम तो मदद बुझा रहे, हमारे लड़का ते जब तथिया टोली हो दिया था तो उस साले ते हम डोली मार दिए थे, आ तू तो हला चीज को हम थोल दे दे। अरे बताओ हमारे बेटा कहाँ है, नहीं तो गोली मार देंगे थाले तुम तो। अभी हम पहले तू बता हमारे भतीजा कहाँ है। टेला भतीजा वारसी ने, ऐसा नहीं हो सकता है, बोल दे कि तू झूठ बोल रहा है। सरदार मेरा कभी झूठ नहीं बोलता। तू लौरा जानेगा कि फरदार कितना झूठ बोलते हैं। तुमको याद है हम और तू और फरदार गए थे खफिया चुराने, तो फरदार पकड़ा गए थे, बिना फरक साबुन के फरदार को धोया था। तो फरदार क्या बोले थे, किसी को बताना नहीं गांव में, नहीं तो मेरा खौफ घट जाएगा। खेतलाहत यहां थलियत बातती चल रहा है, जतना कॉमेडी डालना जरूरी है। तेल नंदा ऊपर से नीचे में मर जाए तो थला डालती आलती तली का दाल तली फॉर फरदार। देख देला, अभी तक तो तेला भतीजा थुलक ठीक है, अगल मेले बेटे के बारे में तुमने नहीं बताया तो छोड़ तेले भतीजा के क्या होगा। अरे कितनी बार बोले, 6 महीने से तो हम एक ही बात बोल रहे हैं, हमको आजाद करेगा तभी तो तुम्हारे बेटे को तेरे हवाले करेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों के कान में काला कर लूं। फंड घुस गया, हमको छोड़ेगा तभी तो ले आएंगे तुम्हारे बेटे को। हम देखने थे क्या तुमको गधा लगते है, गधा लगते हैं कि तुमको थोल दे और तुम भाग जाओ, हमारे बेटा के पते नहीं चले। अरे चुहार सिंह, हमको छोड़िएगा तभी तो आपके बेटे का हवाले करेंगे हम। का ओए चोद दो हाथ पहले मैं तो दूंगा, हाथ सुनियो का साले का रहा है बे। सरदार ने बोला छोड़ने के लिए, तुम्हारे का सरदार बोले हाथ खोलने के लिए, छोड़ने के लिए हाथ खोल मेरा। ए चुहार सिंह, छदिया कहाँ है? छदिया वाला पतल पतल तल रहा था, इसलिए उठा लेते दाले में थे तो दिए हम। चुहार सिंह, मार मार के तो मेरा शॉर्ट वर्ड सब फाड़ दिए हैं, ठंडा लग रहा है, कुछ शॉर्ट वर्ड जैकेट वगैरह कुछ दिलाई है न,
नहीं तो ऐसे अगर जाएंगे बाहर में लड़की वर्की मेरा सिक्स पैक अगर देख लेगी तो मेरे प्यार में अगर पागल होकर अगर नस वस काट लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दो दिन तो टाइम है तोला पार दलित नहीं थोती आओ चल जी तो चुहार सिंह को बोल दिया कि उसका बेटा मेरे पास है लेकिन उसका बेटा मेरे पास है कहाँ क्या करे कहाँ खोजे साला को समझ नहीं आ रहा बाबूजी कौन दे साला बाबूजी हम ढेला आओ खा ले हमर केला साला भिखारी के औलाद भाग ना दे जे गार फाड़ देम कर देम तोरा गार पर लात मार के साले थेला उठ साला उठ कहां घर हो साला हमर ये घर बा हम भाई राउर बेटा ढेला कुमार आय ढेला हमर बेटा हां की हो रे अरे बहुत बड़ा किडनैपर बस साला हूँ जैकेट जैके उठा के ले रहा ले आए? मतलब कि जैकेट जैके उठा के किडनैप करके फिर आउती ले वाले फिर आउती और तो ये अगर भतीजा जाके उठा ले मतलब कि तेरा पोता के तो साला 2 लाख रुपए मांग रहे अब बताओ 2 लाख रुपए अपन पिछवाड़ा मारा के दी अरे जब पोता के किडनैप कर लग तो तोरा के 6 महीना किडनैप कहे करके रख लग रहे इतना मरलग तोरा के बताई बाबू बहुत लंबा कहानी जब पैसा इकट्ठा ना होल तो हम पैसा ना दिली तो साला बोला कटनी के तोर भतीजा के मार देब तो हम का कहली कि साले के हम खून के बाद ना खून से ले साले के हम चुहारवा के बेटा है किडनैप कर लेली तो हमरा के फोन कर ली चुहारवा आई ना साले ये चीज में साला होकर बेटा भतीजी के हाथ छोड़ा के भागल साला अब साला चुहारवा हमरा के पकड़ ले हम साला हमरा कहले कि हमर बेटा के तू कहां छिपा के बोले बारे अब बता हम का जवाब दे साला के कहां ना कहां भाग गई भतीजी का आगे ठीक है 5 मिनट में बात करता बोलो क्या काम है तुम्हें सर रिपोर्ट लिखवाना है किसके खिलाफ चुहार सिंह के खिलाफ किसके खिलाफ चुहार सिंह क्या किया है चुहार सिंह सर चुहार सिंह हमारे भतीजा को किडनैप करके रखा हुआ है और हमसे फिरौती मांग रहा था 2 लाख रुपया और नहीं देने पर बोला कि जान से मार देंगे ऐसा हो नहीं सकता है कि चुहार सिंह तुम्हारे भतीजे को किडनैप कर लेगा वो बहुत नेक दिल के इंसान के आदमी है वो गांडू काम कर ही नहीं सकते हैं बहुत मालदार पार्टी है सॉरी बहुत नेक दिल के इंसान है और गांव के भले के लिए सोचते हैं क्या सबूत है कि तुम्हारे भतीजों को गिरफ्तार किया है सर सबूत क्या खोज रहे हैं सबूत हमारा बेटा है 2 लाख रुपया जब फिरौती नहीं दिया तो चुहार सिंह इसका घर मार लिया बताइए तो सॉरी घर पर मार के फुला दिया है सर इसको बचा लीजिए तुम्हारे बच्चे का चुहार सिंह गिरफ्तार किया है तुम झूठ भी तो बोल सकता है तुम दोनों बाप बेटा हम झूठ नहीं बोल सकते हैं
हम बाबू कसम खाए कहिए एकदम सच बोलिए सच कहि तारे नु हां बाबू तोर कसम खाए झूठ थोड़े कहा दरोगा साहब एकदम सच कहि तारी हम ए तुम झूठ बोलो चाहे सच बोलो हमको उससे मतलब नहीं है जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है कानून अंधा होता है ओ कानून अंधा होता है पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा दिया इसका सजा तुम जानता है अबे साला साजे के पाट काहे के साला के पुरोहित है के साला के जेल में ठेल ए ऐसे कैसे जेल में ठेल दीजिएगा सबूत कहां है तुम्हारे पास कि हम तुमको मार रहे हैं सबूत भोसरी के देख ले वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है देख पहले योरे माफ कर दीजिए गलती हो गया माफ साला टोनी के तो साफ कर दे ए वाला देखे का साला के जेल में ठेल बस राजा ना हवलदार साहब चलो ठीक है 1.5 लाख सर कुछ और काम कर दिए सर 1.5 लाख होगा चलो ठीक है तुम्हारे लिए 2 लाख कर दिए सर ठीक है सर 2 लाख रुपया दे देंगे आपको तो छोड़िएगा तभी तो देंगे अरे हमारा माथा पर सी लिखा है का कि हम तुमको छोड़ दे साला छोड़ देंगे तो तुम दोबारा आएगा थाना में सर तो एक काम भी है सर हमारे बाबू को रख लीजिए हम आते हैं बाहर से पैसा लेकर के ठीक है ए हवलदार जाके छोड़ दो तेरा जानवर पहचान था लग रहा है कहीं तू ढेलवा तो नहीं ब्रो हम तो ढेलवे हैं लेकिन तुमको पहचाने नहीं कहीं तुम भोसड़ी वाला तो नहीं हो रे साला हम पीलिया 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 चिलिए के बेटा नु हां 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 बैठ 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 साले अब क्या पहचान रहा है ढेला कहां रहली से इतना दिन से दिखाई ना दे रहली से कहो बाहर और चल गेल रहली से का ना यार बाहर थोड़े गेल रहली हम काब अभी गुस्सा लगा रहा बहुत मुसीबत में फसल बाड़ी हम कैसन मुसीबत अरे बहुत लंबा कहानी बता रहा हम कहां से शुरू करी कहां से बताई समझ नहीं के भाई ए तो बहुत लंबा कहानी है बात तो का हो गया ओकरे का शॉर्ट में बताओ ना ठीक है सुन सलाहकार हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम 2 लाख रुपया कहाँ से लिया है कैसे अपना बाबू को छोड़ा है साला बाबू जेल में बंद है ऊपर से साला चुहार सिंह का बेटा लापता है उसको भी खोजना है साला चुहार सिंह हमारे ऊपर चढ़ाई कर ले कुछ पैसा वैसा है तो भाई हेल्प करना लार हम पैसा छोड़ने हमें चूगा खा दे लार हम पैसा हमका रे साल 1 रुपया का तुम मदद न कर ले आ साला 10 रुपया का चूरा खा गए रे रे ढेला ऐसा क्या पेपर में कथी लिखल हूँ जो हमारे पापी को खोज कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा पापी पापी रे साला तो तोरा से बड़का साला पापी कौन बा रे तो देख साले लेके जान साला हमरा इनाम हट साला हट देख दे कथी लिखल है पढ़ दे ए साला पापी लिखल देख जो हमारे पापी को जो हमारे पप्पी को खोज कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा अरे साला पप्पी है पप्पी चुमा वाला पप्पी का रे ना साला देख कुत्ता के फोटो है कुत्ता के फोटो एकरा मतलब पप्पी के मतलब साला कुत्ता के नाम है ना साला कुत्ता के नाम नहीं कुत्ता के बच्चा के नाम पप्पी मतलब होता है ओ चल खोल जा चल चल रे पिली मेरे पास साला उतना टाइम नहीं है खोजने के लिए साला कुत्ता का बच्चा ये तो सोच ले का लार बारे चलो ठंडी के दिन में तो इतना कुत्ते के बच्चा भी आयल होते चल कौनो पकड़ के दे दो जाए चल
पापी आप ही पॉपी आप ही का है? हाँ चलिए फटाफट इनाम लाइए, इनाम लाइए फटाफट। पहले मेरा पॉपी दिखाओ। ए, रुक यार, आपका हमारे पर विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास ना है तो बताइए, हम लोग साला ऐसा काम फ्री में करते हैं, कोने मतलब इनाम के लालच में नहीं कर रहे हैं। अरे अच्छा किसिया कह रहे हैं इनाम लेगा? लो ई ई का। अबे भोसड़ी के दे तो रहे हैं इनाम ई। अबे ई उना इनाम दो इसको। दे तो रहे हैं इसको इनाम, लो ई। भोसड़ी के गुस्सा दिला रहा है, अबे साला हमको इनाम चाहिए इनाम। ओए तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, हम तुम दोनों को दे तो रहे हैं इनाम, बात को समझो बात को, इनाम। का इनाम? अबे पहले तुम्हारा जितना भी आटू झाटू नाम होगा उसको हटा के तुमको बढ़िया नाम दे रहे हैं इनाम। ई तोरा मार के डॉट डॉट, तुम्हारा इनाम के लिए साला हम लोग इतना मजा का साला तुम्हारा पप्पी खोज करके लाए रे। बोले इसका नाम खराब है। ए हमारा नाम खराब बा, हमारा नाम प्रिया कुमारी। कौन सा तो निमन नाम बात है? हमार नंबर ढेला कुमार तला खराब रे बात नंबर है। ए हमर तोला खीस बड़ी बड़े गुस्सा दिलो है तो साला ला तो कुछ मार ला। धर धर मार साला। ठीक है भैया अपना ये पप्पी लीजिए, हम लोग चल रहे हैं। इनाम का मां का पूरा भाग बा। पिली अच्छा हुआ है कि साला करा हमको गुस्सा नहीं आया है, अगर हमको गुस्सा आता ना तो साले कितना मार मारते, इतना मार मारते हम लार, इतना मार मारते, इतना मार मारते साले बंदूक देखे तो तुम्हारा गांड फट गया था। अब इतना मार मारते, इतना मार मारते तो का कहे साला, अच्छा अच्छा आदमी के साला बंदूक के सामने उसका गांड फट देता है, हम तो जानते पर कैसे बाड़ी। लेकिन हमको भी साले बड़ा बंदूक चाहिए तो चाहिए बंदूक चाहिए। तेरा बंदूक है चाहिए? चल हम दिवाले। कहाँ से? कहाँ से? विजय चौहान के पास। विजय चौहान कौन है रे? विजय चौहान कौन है रे साला? है जितना ही सब आटू झाटू लेके बंदूक बुवा लें वो सब विजय चौहान के पास जा, समझ गए? ओ लेकिन पैसा नहीं कैसे? पैसा ना हम बारी चल हम तुम्हें फ्री में दीवा। चल 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 साला से बताया जाए। लाट तकले बारे स्मार्ट तो हम बढ़ ले बनी काम का वो बताओ। साहब बंदूक चाहिए। पकड़ का लावरा बारो देखे तो कितना गंदा गंदा इशारा करी था। साहब कोई तो बुझा करी बूंदी साला मरवा देगा रे। साहब ये साला का तो बोले के लूर नहीं के, ये वाला बंदूक ना चाहिए, ये वाला बंदूक चाहिए। टिकटॉक बने थे ये कौन बंदूक है रे? साहब हम कह रहे थे कि हमको गोली मारने वाला बंदूक चाहिए। अरे बहुत सारी के सब बंदूक में तो गोलियां फेंकता है लेकिन एक मेरे पास बंदूक है जिसमें से लिक्विड फेंकता है, चाहिए तो बोल। साहब लिक्विड फेंकने वाला हमारे पास बाटे, हमें ये सब ना चाहिए, हमारा ये छोटका कम दाम वाला काटा चाहिए। अच्छा वो बंदूक लेवे और रोकरा हाओ कोकर है? कोकरा तो अभी नहीं है, कहिएगा तो पकड़ करके ले आएंगे। अबे साहब बोल रहे हैं रोकरा रोकरा पैसा लाया है। पैसा? साहब पैसा तो नो है लेकिन आप बंदूक दीजिए, आपको हम कल के कल पैसा लिया करके दे देंगे। अबे यार रास्ता मटा दे, उठा के चल गया बंदूक लेने, भाग यहां से। पापा स्कूल में नू मास्टर पे मतलब क्वेश्चन पूछता है और डांटता है, आज वो मार भी दिया है और बोलता है कि तुम्हारा बाप गुंडा है गुंडा है। साहब माफ कर दीजिए, साहब साहब माफ कर दीजिए, आप नहीं करें कुछ नहीं करेंगे आपका बेटा भाई। पापा एक रहा तू माफ ना करिया, ये लड़की के सामने हमरा के एक थप्पड़ मार लेबा मां 10 साल की। बेटे विजय चौहान ने ना आज तक किसी को माफ किया है ना करेगा। साहब माफ कर दीजिए, साहब
साला हम सोच रहे हैं कि चुहार सिंह के बेटा आखिर विजय चौहान का साला पापा कैसे कर रहा है। हाँ साला, अगर चुहार सिंह के बेटा रहती तो विजय चौहान के बाप का कहती है। साला तहा नहीं के पता, हम साला खुद अपना आँख से देख के और हाथ से साला के किरनाथ के बाड़ी चुहरवा के बेटा की साला कहाँ से भागा रहे। ये साला कहीं हम सकल तो ना हमारा कुछ पता ना होगा दिमाग काम ना कही तो। हे गाइस, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।